कितना खांस रहा है देख देख सांस लेने की कोशिश कर बेटा इसको डॉक्टर के पास लेके जा साहब लेकिन बाहर तो जाम लगा हुआ है रोड पर वैसे तो हॉस्पिटल 5 मिनट की दूरी पर है पर जाम की वजह से 40 मिनट दिखा रहा है अथर्वा गिर जाता दूध अभी ध्यान कहाँ है तुम्हारा मम्मी मैंने बोला ना आप मुझे ये सब काम मत दिया करो आप मुझे सिंपल टास्क दिया करो मुझे कुकिंग नहीं अच्छी लगती है एग्जैक्टली मम्मा इसे ना बस बनाना खाना आता है लेकिन खाना बनाना नहीं आता आप मुझे बोला करो ना मैं कर दूंगी दीदी आप ठीक तो हो मुझे क्या होगा आई एम परफेक्टली फाइन इनफैक्ट बेटर मतलब पढ़ाई कॉलेज और जॉब से फुर्सत ही नहीं थी पहले अब बहुत दिनों के बाद फ्री टाइम मिला है तो बताओ ना क्या करूं प्याज काट दूं हाँ नहीं दीदी प्याज मत काटो आप वापिस रोने लग जाओगे अथर्वा सखी हमारे सामने ठीक होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है बेटा जानती हूँ कि तुम अपसेट हो गुस्सा भी आ रहा है मम्मा गुस्सा होके क्या फायदा जो होना था वो हो गया और डैडी हमेशा कहते हैं ना कि गुस्से को चैनलाइज करके कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए तो आप मेरे गुस्से का फायदा उठाओ और अपना ऑर्डर कंप्लीट करो अथर्व टमाटर और प्याज दे एक मिनट क्या ये दो टमाटर और दो प्याज काटने से तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होगा सखी मैंने तुमसे जो करवाया ना उसके लिए तुम्हें ये थैली भरकर सब्जियां काटनी पड़ेगी आई एम सॉरी सखी तुम सही थी चाहे जो भी हो सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए इस सच की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन अब क्या फायदा डैडी वीडियो तो डिलीट हो गया तो क्या हुआ है ना हमारे पास दूसरा रास्ता कौन सा रास्ता Are you sure, Daddy? Absolutely. वो बिल्डर रूल फॉलो नहीं कर रहा है और बात जब रूल्स की हो तब एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है वो है बेल बजाने से पहले मास्क पहनिए रूल के हिसाब से मास्क पहने बिना घर में घुसने की अनुमति नहीं है क्योंकि रूल्स माने रूल्स जो फॉलो बस चलो पहन लो मास्क पता नहीं मुझे अरे अरे राजेश भाई और साथ में परम पूजनी परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की बेटी सखी हेलो सखी क्या लोगी चाय या कॉफी अच्छी या फिर जूस आप दोनों में क्या जुगलबंदी लगी है छींकने की राजेश भाई मास्क पहने रखिए वरना आपको भी हमारी तरह इन्फेक्शन लग जाएगा अच्छे अर्ज किया है आज सोचा घर पर ही ऑर्गेनाइज करूं सहेली हो संग किट्टी लेकिन सबको आने से मना कर दिया क्योंकि बिल्डर ने रास्ता खोदकर हर तरफ फैला दिए धूल और मिट्टी दकू खाना लगाओ वैसे खाने में आज क्या है चोखा और लिट्टी एक मिनट ओ दकू भाई चोखा लिट्टी छोड़िए हम यहाँ पर धूल और मिट्टी के सिलसिले में आए हैं वो जो गोराडिया एंड शाह बिल्डर्स है ना उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उसके लिए तो हमें सोसाइटी वालों को मिलकर एक PIL फाइल करनी पड़ेगी PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक तरह की लीगल टर्म है मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है अगर हम लोग PIL फाइल करेंगे ना तो हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर हम वेट किस बात का कर रहे हैं हमें एक्शन जल्दी लेना होगा तो ठीक है मैं कल ही पेपर रेडी कर देता हूँ पर एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है PIL फाइल करने के लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ साथ
सोसाइटी के चेयरमैन की भी साइन लगती है। मैं तो साइन कर दूंगा पर पंटर। अच्छा क्या हर्षद भाई साइन करेंगे? रुको भाई, ये गलत हो रहा है। राजेश भाई, गलत तो मेरी भव्य और दिव्य दिखने वाली सोनी डोरसन हाइट सोसाइटी के मेंबर्स के साथ हो रहा है। राजेश भाई, ये सोनी डोरसन हाइट सोसाइटी मेरे लिए एक मंदिर है और परम पूज्य बन्ना भाभी यहाँ की देवी है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। हाँ, लेकिन क्या है, जो पुजारी होते हैं ना, वो अपना काम निकलवाने के लिए छल कपट नहीं करते। राजेश भाई, जब हमें पूजा के लिए घी चाहिए होता है और घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। यू जस्ट फॉलो मी। ओह माय गॉड, और ये पकड़ी है क्या? ये अब तक तो तू लोगों के काम में टांग आ रहा था, अभी उंगली भी अड़ाने लग गया है, कैसे हुए? अरे वो क्या है दक्कू भाई, हमको बताना चाह रहे हैं कि टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकलता है। ओ अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना कि सोसाइटी का रूल है कि सोसाइटी ऑफिस में घी का इस्तेमाल बराबर होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। एक काम करना, ये मेरे डब्बे के किनारे में ना माउथ फ्रेशनर चिपक गया, वेस्ट हो जाएगा ना, ऐसा उंगली से निकाल देना इसको। मुंगमर, तू अपनी उंगली का इस्तेमाल कर और ये सोसाइटी की पेपर्स पर साइन कर फटाफट, इंपॉर्टेंट पेपर है, साइन कर। पेन पेन नहीं है, पेन किधर है? पेन दे। अरे पढ़ाई लिखाई की होती तो पेन होता ना, जा विद्युत का पेन लेके आ, जल्दी जल्दी जा। हाँ जा रहा हूँ। ओ देखो भाई, हम पकड़े जाएंगे। अरे राजेश भाई, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना ये जो पंटर है ना वो बिना पढ़े पेपर साइन करता है। यस, सोसाइटी का काम ऐसे ही करवाता हूँ मैं। क्या है ना कि मैंने सोसाइटी के पेपर्स के बीच में हमारे पीआई के पेपर रख दिए हैं, देखना पंटर आएगा और बिना पढ़े सारे पेपर्स पे साइन कर देगा, बस आप इसे बातों में उलझा के रखिए। चलेगा चलेगा। ये कर कर कर। ज्योति भाभी नजर नहीं आ रही है? हाँ, वो अपने 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के 7 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट के भूमि पूजन में गई है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे कहाँ लिया फ्लैट? यही अपने गोराडिया एंड शाह बिल्डर्स के ना, उनकी बिल्डिंग में है, मैंने ही डिस्काउंट दिलवाया था। आप लोगों को भी अगर उनके बिल्डिंग में फ्लैट लेना है ना तो मेरे को बोलना, डिस्काउंट दिलाने की जवाबदारी मेरी। नो, गोराडिया और शाह बिल्डर्स के फ्लैट नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए ही नहीं भैया। क्या है राजेश भैया, नहीं उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। अरे उसका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे आप राजेश भाई, कर पाएंगे बोल? पंटर सही बोल रहा है राजेश भाई, हम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। पंटर तू साइन करना यार, कर कर साइन कर। हट हट हट। अरे कुछ नहीं है ना, साइन साइन। पीआईएल अब समझा मैं, चालर ये उंगली टेढ़ी करके कौन सा घी निकाल रहा था तू? ये पकड़ तेरा पीआईएल। अब तक तो तू सिर्फ पकाऊ था, तू ये धोखेबाज कम से बन गया रे तू। अंटन मुंगमर, धोखेबाज मैं नहीं, धोखेबाज तू है। चेयरमैन होने के बावजूद भी तुझे सोनी डोरसन हाइट सोसाइटी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। नहीं नहीं ये चिंता, चल निकल निकल निकल। वो राजेश भैया आप भी ये झालर की बात में आ गए, मारे को तो लगा कि आप मेरे साइड पे हो। अरे मैं आप ही की साइड पर हूँ हर्षद भाई, पर उस बिल्डर के साइड पर नहीं हूँ। अरे मैं और बिल्डर दोनों एक ही साइड पे हैं। ऐसा आपको लग रहा है, जो इंसान कुदरत के साइड पर ना हो वो किसी के साइड पर नहीं हो सकता, और जिस तरह से वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है ना, उससे आपके और आपके परिवार को भी तकलीफ होगी। किधर हो रही है तकलीफ? है कोई तकलीफ है, है? कहाँ है पॉल्यूशन वॉल्यूशन, मारे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। कितनी फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है देखिए। ए झलर, ये उंगली के साथ साथ अपने दिमाग का भी इलाज करवा डॉक्टर के पास जाके। फॉलो मी।
मेरी ट्रीट। सखी, पापा की तबीयत अब पहले से बहुत बेटर है। I'm glad, पर हमारे एरिया में रहने वाले लोगों की तबीयत और खराब होती जा रही है, उसका क्या? See, thanks to that builder, हमारे एरिया में अब लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। सखी, मैं तेरी तरह कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो बस एक कॉमन सी लड़की हूँ जिसके लिए उसके पापा मैटर करते हैं। और आज तेरी वजह से मेरे पापा की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं तो बस तुझे थैंक्स बोलने आई। गुनगुन, प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलो। अगर कुछ कहना ही है ना, तो हमारे एरिया में रहने वाले लोगों को सॉरी कहो, क्योंकि हर्षद अंकल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में अब वो सब प्रॉब्लम है। पर मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। सखी, तू हर बात को लेके इतनी इमोशनल क्यों हो जाती है? प्रैक्टिकली सोच गुनगुन। प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं कि दूसरों की तकलीफों से मुंह फेर के सिर्फ अपने बारे में सोच ले। हमारा घर साफ है इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती। गुनगुन, बस एक बार ना इस शहर को अपना घर मान के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा घर कितना गंदा है। सेव क्या खा रही है? अरे क्या नहीं पिएगा, ये हल्दी वाला गरम पानी पिएगा तो ही आराम मिलेगा ना, तेरी खांसी जाएगी। बराबर है, नहीं पीना मुझे, नहीं नहीं पीना, नहीं ये पीना पड़ेगा। चल मारो कोई पूरी। अरे पीना पड़ेगा, तूने अपनी खांसी मुझे भी दे दी। कम से कम दो ग्लास तो पीना पड़ेगा, समझा ना? गुनगुन क्या सोच रही है? कुछ नहीं। गुनगुन दीदी ये सोच रही है किस बार वेकेशन पे कहाँ जाना है। हम चाहे कहीं भी जाए, तू कहीं नहीं जाएगा वेकेशन पे, यही रह के ये हल्दी वाला गरम पानी पिएगा। रात को आइसक्रीम खाता है फिर खांसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? ये होंगी ना। बराबर बराबर बोल रही है तेरी मम्मी। ए मत कर, जलन ये देख, ध्यान रख अपनी तबीयत का, तेरे को अस्थमा हो गया। गुनगुन देख ना जरा, दो ग्लास पीना पड़ेगा तुझे। चल फटाफट, गंदा है तो तीन पी। आशा आंटी, हाँ गुनगुन, वो हर्षद भाई और ज्योति भाभी से मिलना था। अरे आशा, हाँ चाय पिएगी? नहीं ज्योति भाभी, फिर कभी। हाँ थैंक यू। हाँ वो हर्षद भाई, हाँ वो आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल। वो ना दिलीप को ना अस्पताल में भर्ती किया है। ए? क्या हुआ दिलीप को? ज्योति भाभी, दिलीप को ना सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, तो कर दिया। बाप रे, क्या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ ना गुनगुन, सब वो बिल्डिंग के काम के वजह से। वो बिल्डर है ना शाह, गोराडिया एंड शाह। हाँ उसकी बिल्डिंग का काम चालू है, तो उसके पीछे तो हमारी बस्ती है। उसके काम के वजह से सारा धूल मिट्टी हमारी बस्ती में आती है ज्योति भाभी। ऊपर से वो लोग पानी छोड़ते हैं, उसके वजह से ना बस्ती में इतना मच्छर हुआ है, आपको क्या बताओ। किसी को डेंगू हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, कोई खास रहा है। आशा, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। हाँ एक काम कर, ये ले, ये पैसे ले। कितना चाहिए तुझे बोल। नहीं नहीं हर्षद भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो ना मुझे बस दो तीन दिन के लिए ना, वो आपके घर में ये मशीन है ना, वो चाहिए थी। ये मशीन, ये एयर प्यूरिफायर? वो क्या है ना ज्योति भाभी, डॉक्टर दिलीप को डिस्चार्ज देने वाले थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि दिलीप को जितना हो सके शुद्ध हवा, साफ हवा मिले ना, तो उसके लिए अच्छा है। डॉक्टर बोल रहे कि आशा तू दिलीप को लेके ना गांव चली जा, क्योंकि गांव में शुद्ध हवा होती है ना ज्योति भाभी। लेकिन कोमल की पढ़ाई और यहाँ का काम काज छोड़ के मैं कैसे जाऊँगी, आप ही बताओ ज्योति भाभी। हम गरीब लोगों के नसीब में ना, या तो हम साफ हवा खा सकते हैं या फिर रोटी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। ज्योति भाभी, दो तीन दिन के लिए वो मशीन दे दो ना।
आप चाहे तो उसका किराया ले लो हर्षद भाई, मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ आशा, दो तीन दिन की बातें। आशा क्या कर ज्योति भाभी, मेरे लिए ना दिलीप की सेहत बहुत जरूरी है, बस दो तीन दिन की लिए मशीन दे दो मुझे। चल इसकी बारी। ओ क्या भाई साहब, ये क्या, रख दो नीचे। अरे प्लीज ना, खाने दो ना, प्लीज प्लीज बंधु। सखी के लिए प्लीज, प्लीज। अरे चलो, अच्छा एक मिनट, एक मिनट रुको। सखी दीदी जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम्हारी फेवरेट मैंगो वाली आइसक्रीम है, तुम खाओगे की नहीं बोलो, जल्दी बोलो नहीं तो खा जाएगा ये। देखो ना वो जवाब नहीं दे रही है, नहीं नहीं खाना है, मैं खा लेता हूँ। तुम क्या डिसाइड कर रहे हो ना, वो बस करो, थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं हूँ मैं। अथर्व अगर तुझे खाना है तो खा ले। सखी दीदी आप प्लीज स्माइल करो ना, आप जब ऐसे गुस्से में होते हो ना तो आप दकुंगल जैसे दिखते हो। बट मैं नहीं सहता बाबा, इतना बड़ा इंसल्ट, दक्कू अंकल। और ओहो सखी, इधर 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 संभाल। देखो हमसे जितना पॉसिबल था हमने किया, चल जाने दो, चल चीयर। जानती हो ना कि हर्षद भाई को मनाना इतना आसान नहीं है। हाँ ऐसे मूड ऑफ मत करो, चलो चेहरा चल, कम ऑन। ये बात, ओहो ओ थैंक यू, मैं देखती हूँ ना, तुम्हारे नसीब में। कापरी भाई सुनो 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 मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ कि अभी है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ो और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। हाँ ये गोराडिया और शाह बिल्डर जो है ना उसका मस्त प्रोजेक्ट आ रहा है, ये वन प्रोजेक्ट है, आज बंद करके इन्वेस्ट करो, मैं तो बोलता हूँ। और आपके लिए खास, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि आपके लिए खास। विद्युत बेटा अंदर जाके खास, हाँ फोन पे बात कर। हाँ हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि आपके लिए खास डिस्काउंट है। मैं बात बात करता हूँ। विद्युत 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 क्या 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 विद्युत सांस लेने की कोशिश कर बेटा, उसे वो क्या कफ फटे खाए लगता है। पर एक तो इसको अस्थमा का प्रॉब्लम है और ऊपर से इतना खांस रहा है। विद्युत तू पानी लेके जा, जा बेटा। विद्युत बेटा सांस लेने की कोशिश करना, अरे पानी लेके आना जल्दी। हाँ हाँ पानी 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 कूल कूल पानी 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 पड़े पड़े अर्शद आराम से पानी पिलाइए। अरे ये खांस रहा है, इसकी तो खांसी रुकी नहीं है। सांस लेने की कोशिश करना बेटा, इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हाँ 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 चलते चलते चल 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 आराम आराम से अर्शद आराम आराम बस पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए विनीत विनीत विद्युत की तबीयत खराब है, मैं गाड़ी निकाल के लेके तू ध्यान साहब, लेकिन बाहर तो जाम लगा हुआ है रोड पर। हाँ पापा वैसे तो हॉस्पिटल 5 मिनट की दूरी पर है,
पर जाम की वजह से 40 मिनट दिखा रहा है। क्या? इतना ट्रैफिक क्यों है लेकिन? हाँ, वो बिल्डर ने घूस देकर पूरा रास्ता खोद के रखा हुआ है, पता नहीं क्या पाइप डाल रहा है उसमें। वो काम अभी तक चल रहा है। मैं कुछ करता हूँ। बस 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 बस। अरे बोलो अर्षद भाई। हेलो हेलो आदित्य भाई, ये पूरा रास्ता खोद के रखा है अपने। हाँ वो पाइप का काम चल रहा है ना अर्षद भाई। अरे लेकिन वो तो पिछले हफ्ते तक ठीक हो जाने वाला था। अरे आपको क्या लेना देना अर्षद भाई, आपको पता है ना बांध काम का काम जो होता है उसमें हफ्ता दो हफ्ता आगे पीछे होता है। आदित्य भाई मेरे बेटे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो खाद खाद का बुरा हाल है उसका, उसकी तबीयत खराब है। प्लीज प्लीज रास्ता क्लियर करो ना प्लीज। रास्ता क्लियर करो? अरे कैसे रास्ता क्लियर होगा अर्षद भाई, 1 किलोमीटर लंबा जाम है, कहाँ का क्लियर करो? अरे क्या जरूरत है अभी रास्ता खोलने की, क्या जरूरत है अभी? अर्षद अरे पता नहीं चलता लोगों को कितनी परेशानी होती है। रात के वक्त रास्ता खोलना चाहिए ना जब ट्रैफिक नहीं होता। अभी क्यों अर्षद, मेरे से ऐसे टोन में बात नहीं करने का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.